हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आप सभी लोगों से बोला भी था कि हम लोग जो अपना पहला टॉपिक लेने वाले हैं दैट विल बी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए यूज होते हैं और इन पर्टिकुलर उन मटेरियल्स का यूज क्यों किया जाता है, ऐसी क्या बात होती है कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स के बारे में जिससे कि हम ये डिसाइड करते हैं कि यही मटेरियल हमें यूज करना है। अब देखो, तीन तरह के मटेरियल किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को बनाने के काम में आते हैं। सबसे पहला मटेरियल होता है कंडक्टिंग मटेरियल। मैं मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। दूसरा होता है मैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, ये तीन तरह के मटेरियल हमारे यूज होते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। अब देखो, तीनों का पर्पस अलग अलग है। जैसे कंडक्टिंग मटेरियल है तो किसी भी मशीन में जो भी कंडक्टिंग पार्ट्स रहेंगे जिसमें कि करंट फ्लो करेगा तो वहां हम यूज करेंगे कंडक्टिंग मटेरियल। फिर हम ये भी जानते हैं कि मशीन ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड पे काम करती हैं, तो जिन मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होंगे मैग्नेटिक मटेरियल। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हिस्से को मशीन के सेपरेट किया जाता है एक इंसुलेटर से। ऐसे सोचो, ट्रांसफॉर्मर के अंदर से हमारी वायर निकाली जाती है, जो वायर हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जाके जुड़ेगी। ट्रांसफॉर्मर के अंदर से कनेक्शन निकालोगे ना, वायर निकालोगे, बट इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब ट्रांसफॉर्मर में से वायर निकाल रहे हो कि वो ट्रांसफॉर्मर में टच ना हो जाए। अगर टच हो गई तो उसकी बाहर की जितनी भी बॉडी है ना, सारा बाहर का जो सरफेस है उसमें करंट जाने लगेगा। उसमें करंट जाएगा तो कोई भी उसे टच करेगा उसको शॉक लग जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि उन वायर और वो टैंक, आउटसाइड सरफेस जो होता है उसे टैंक बोलते हैं, उसके बीच में इंसुलेटर देना पड़ता है। तो जनरल वे में ये बोल दो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग पार्ट्स के बीच में क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, इंसुलेशन। करंट फ्लो करेगा कंडक्टिंग मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी मैग्नेटिक मटेरियल, और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हिस्से को आइसोलेट करेगा इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये तीन तरह के मटेरियल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेना इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल। तो लिखना इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल, इसमें लिखना दीज मटेरियल्स कैरी करंट इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन। अब ये जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं ना, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी होती है हाईली कंडक्टिंग मटेरियल दूसरी होती है हाईली रेजिस्टिव मटेरियल। अब देखो, जब मशीन्स की बात करते हैं तो मशीन के अंदर आइडियली हम ये चाहते हैं कि मटेरियल जो भी यूज हो वो करंट फ्लो करवा पाए। जैसे मान लो मशीन के अंदर वायर यूज हो रही है जिसको वाइंडिंग भी कहते हैं, तो वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए जिसमें करंट इजीली फ्लो कर पाए, यानी इट शुड बी अ हाईली कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो मशीन के अंदर ये हाई रेजिस्टिव मटेरियल्स का यूज कम किया जाता है, ज्यादातर क्या यूज होता है, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल। अब ये हाईली कंडक्टिंग मटेरियल हमारे कौन से हो जाते हैं, देखो ये हो जाते हैं हमारे कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे हाईली कंडक्टिंग है, यानी कि इनमें करंट को जो अपोजिशन ऑफर होता है वो काफी कम रहता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज मिनिमम। और हाई रेजिस्टिव मटेरियल कौन से हो जाते हैं, ये इन पर्टिकुलर हो जाते हैं एलॉयज।
एलॉयज, देखो जैसे कभी ना कभी सुना जरूर होगा, एलॉयज के अंदर क्या होता है, जब मल्टीपल मटेरियल्स को फ्यूज कर दिया जाता है, मल्टीपल मटेरियल को साथ में मिक्स कर देते हैं, तब जाकर के एक एलॉय बनता है। और एलॉय की खासियत ये होती है उसकी रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है। इसका भी देखो बेसिक सा रीजन दे दे रहा हूं इसका, लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या होता है, ज्यादातर मेटल हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल तो समझते होगे ना, 11th में ही पढ़ते थे जब हम लोग सॉलिड ये केमिस्ट्री वगैरह के अंदर पढ़ते थे, FCC, BCC, लैटिस वगैरह ये सब। क्रिस्टल क्या है, एक मान लो कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है एटम्स का, एक पर्टिकुलर वे में सारे एटम्स अरेंज्ड है। अब उसमें तुम दूसरा मेटल डाल दो, मान लो कि आयरन में निकेल डाल दिया, आयरन के एटम्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में सारे अरेंज थे, बढ़िया से एकदम अरेंज थे, जैसे मान लो ऐसे एकदम सही तरीके से पर्टिकुलर पैटर्न में सारे अरेंज थे, इस तरीके से, ठीक है, सारे एटम अरेंज थे। अब मैंने क्या किया, एकदम से एक बड़ा एटम इसमें घुसा दिया, दूसरा मेटल डाल के इस पूरे पैटर्न में एक बड़ा एटम मैंने डाल दिया, तो ये स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। ये स्ट्रक्चर बिगड़ेगा तो क्या होगा, ये जो एटम्स हैं इनका अरेंजमेंट खराब हो जाएगा, कोई ऊपर कोई नीचे कोई आगे कोई पीछे, ये एटम सारे हिल जाएंगे। एटम हिल जाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब उसकी एटम से टकराने की चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एक परफेक्ट अरेंजमेंट के। जब कोई एटम इधर पड़ा है उधर पड़ा है कोई आगे कोई पीछे, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा वो किसी ना किसी एटम से टकरा जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराएगा तो वो करंट को इधर से उधर तक पूरा कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, करंट फ्लो के लिए क्या चाहिए कि चार्जेस फ्लो कर पाए एक एंड से दूसरे एंड तक, बट बीच में अगर इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकरा गया तो इट कैन नॉट कैरी करंट। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग एलॉय बनाते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर खराब होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर खराब होने से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हिंड्रेंस मिलता है, या ये कह दो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ता है। ये बात बेसिक क्लियर हुई। तो एलॉयज का यूज कहां करते हैं, जहां हाई रेजिस्टेंस डिजायरेबल होता है, जैसे हीटिंग एलिमेंट। अब देखो घर में कभी ना कभी कपड़े प्रेस तो किए होंगे या कपड़े प्रेस होते देखा होगा, वो जो आयरन नहीं आती, कभी स्टीम आयरन आती है, एक नॉर्मल आयरन आती है, उसके नीचे का जो सरफेस होता है जिससे कपड़े प्रेस करते हो ना पूरा, वो नीचे का सरफेस, वो नीचे का एलिमेंट, वो कभी भी मेटल नहीं होता है, वो एलॉय होता है, क्योंकि वहां हम चाहते हैं कि वो गर्म हो, गर्म होने के लिए ज्यादा पावर लॉस चाहिए, ज्यादा पावर लॉस के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, I²R। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो ज्यादा पावर लॉस, हीटिंग ज्यादा तो कपड़े इजीली प्रेस कर पाओगे। ऐसे ही देखो घर के अंदर गीजर रहता है, गर्म पानी से नहाते हैं, तो अब सर्दियों में तो वैसे भी नहाते हैं गर्म पानी से ही, तो जब गर्म पानी करते हो तो तुम क्या चाहते हो कि गीजर अपनी हीट को ट्रांसफर कर दे पानी में। अब इसके लिए गीजर का एलिमेंट गर्म होना चाहिए, गीजर का एलिमेंट गर्म होगा तो वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इजीली गर्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो धीरे धीरे गर्म हो पाएगा। तो जहां भी हीटिंग एलिमेंट बनाना होता है ना, वहां एलॉयज का यूज करते हैं। एलॉयज के अंदर एक खास बात और हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम होता है। अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या चीज है भाई, देखो ऐसा रिलेशन पहले पढ़ा होगा जरूर, R इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये जो एल्फा होता है ना, ये कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी बताता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन एलॉयज का रेजिस्टेंस जो है ना टेम्परेचर के साथ कम वेरी करता है, ये मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी करता है। तो ये मेटल्स का यूज हम कहाँ करेंगे, मशीन के अंदर जो भी वाइंडिंग्स हैं वो मेटल से या हाईली कंडक्टिंग मटेरियल से बनाओगे, और किसी भी एप्लीकेशन में कहीं हीटिंग एलिमेंट बनाना है तो वो ज्यादातर एलॉयज से बनाया जाता है। मेरी बात क्लियर हुई दोनों का डिफरेंस, तो मशीन में सिर्फ कौन से मटेरियल यूज करने वाले हो, हाईली कंडक्टिंग, और वहीं अदर एप्लीकेशन में हाई रेजिस्टिव मटेरियल या एलॉयज का भी यूज कर सकते हैं। एलॉयज की दो प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी मेटल से, एलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होगी, लेकिन इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा मेटल से कम होगा।
तो जब कभी इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हो, मेजरमेंट पढ़ते हो, तब हम ऐसा कह देते हैं कि एलॉय यूज करने से इंस्ट्रूमेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट मिनिमाइज कर सकते हो। तो एलॉयज का भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है, बट अभी मशीन के लिए हमारा बस पहले वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखना, ये वाला नोट कर लेना इसके नीचे। अब नेक्स्ट लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली कंडक्टिंग मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, पहला लिखो हाईएस्ट पॉसिबल कंडक्टिविटी, हाईएस्ट पॉसिबल कंडक्टिविटी। ऑब्वियस चीज है ना भाई, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहा हूं तो कंडक्टिविटी तो हाई होगी ही होगी, अगर वो भी नहीं हुई तो फिर बेकार है मटेरियल। अगला लिखो लेस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो क्या होता है, किसी भी मेटल में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है। अगर मशीन में ऐसी वायर यूज कर रहे हो जिसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है तो क्या होगा, तुमने थोड़ी देर मशीन चलाई, मशीन में लॉसेस हुए, मशीन गर्म हुई, गर्म होने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से लॉसेस और बढ़ गए, लॉसेस बढ़ने से वो और टेम्परेचर बढ़ गया, इस तरह से क्या होगा, टेम्परेचर लगातार ना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि टेम्परेचर भले ही मशीन का बढ़े, चलते हुए मशीन धीरे धीरे गर्म होने लगे, बट साथ साथ उसके लॉसेस नहीं बढ़ने चाहिए। लॉसेस क्या रहने चाहिए, कॉन्स्टेंट, जितना भी रहे लॉस कम से कम रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ लॉस बढ़ने लगा तो मशीन की ना एफिशिएंसी गिरने लगेगी। एफिशिएंसी हमें क्या बताती है, किसी भी मशीन के अंदर कि इनपुट से ली हुई पावर का कितना हिस्सा तुम दे पा रहे हो। सपोज मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, तुम आगे कितना ट्रांसफर करोगे 100 रुपए में से, दैट इज योर एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर लॉस बढ़ने लगेंगे बीच में तो बाहर वो पावर कम दे पाएगा, तो दैट इज अनडिजायरेबल। जितना पावर हम इनपुट पे दे रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन बाहर जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लो, मान लो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो तो बैंक वो ट्रांसफर के चार्जेस लगाता है, खासकर SBI तो जरूर लगाता है ना। अब वो 5 रुपए 10 रुपए लगा रहा है, तुमने 1000 रुपए ट्रांसफर किए, उसमें 5 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 रुपए ट्रांसफर करो उसमें 5 रुपए अगर वो खा जाए तो लॉस आ गया ना बड़ा, 50% पैसा तो बैंक ही ले गया। इसीलिए एफिशिएंसी का भी कुछ ऐसा ही फंडा है कि ली हुई पावर का कितना हिस्सा मशीन डिलीवर कर पाएगी, दैट इज योर एफिशिएंसी। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम रहे, क्योंकि ये गारंटी है जब मशीन चलेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट टेम्परेचर के साथ अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके लॉस बढ़ेंगे और एफिशिएंसी गिर जाएगी। अगला पॉइंट लिखो, एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड एब्सेंस ऑफ ब्रिटलनेस। अब क्या होगा भाई, हम एक कॉपर की तार लेते हैं, ठीक है, वाइंडिंग बनाने के लिए मैं कॉपर की तार लेता हूं। सपोज ये मेरा कोर है, इस पे मैंने तार बढ़िया से वाउंड कर दी, एकदम टाइट तरीके से वाउंड कर दी। अगर ये तार के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, मजबूत तार नहीं है, तो क्या होगा, जब टाइटली वाउंड कर रहे हो ये कहीं ना कहीं टूट जाएगी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। यानी तार जो भी यूज कर रहे हो, जो वायर यूज कर रहे हो, वो इतनी मजबूत हो कि जब उसे वाउंड किया जाए तो वो वायर ना टूटे। ब्रिटलनेस का भी मतलब यही होता है कि चटक जाती है जब कोई चीज, उस पर प्रेशर डालने से, उस पर फोर्स लगाने से, तो उसे ब्रिटल बोलते हैं, है ना। तो ब्रिटल नहीं होनी चाहिए और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, वरना वायर ब्रेक हो सकती है। अगला लिखो रोलेबिलिटी, स्पेलिंग बोर्ड से लिख लेना, रोलेबिलिटी एंड ड्रॉ एबिलिटी। इसका मतलब है उस मटेरियल को इजीली रोल कर पाओ। रोल करने का मतलब है ना कि उस पर रोलर चला के उसको फ्लैट किया जा सके, और ड्रॉएबिलिटी का मतलब है उससे पतली पतली तारे बनाई जा सके। जैसे मटेरियल को पिघला लो, अब उससे क्या कर लो, उसको एक वायर में कन्वर्ट कर लो, तो जब हम उसे बोलेंगे ड्रॉएबिलिटी। तो अगर मटेरियल से पतली तार बनाई जा सकती, दैट इज ड्रॉएबल। मटेरियल पे रोलर चला के शीट बनाई जा सकती, दैट इज रोलेबल। तो रोलेबिलिटी और ड्रॉएबिलिटी बहुत जरूरी है, तभी हम लोग एक वायर बना पाएंगे।
अगला लिखो गुड वेल्डेबिलिटी, वेल्डिंग होती है ना वैसी, वेल्डेबिलिटी एंड सोल्डरेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी एंड सोल्डरेबिलिटी टू एंश्योर, टू एंश्योर लो रेजिस्टेंस ऑफ द जॉइंट्स, टू एंश्योर लो रेजिस्टेंस ऑफ द जॉइंट। देखो जहां कहीं मटेरियल को जोड़ोगे तो सोल्डरिंग करके जोड़ोगे ना भाई, ऐसा तो मेरे हिसाब से तुमने कभी ना कभी अपनी इंजीनियरिंग के अंदर किया ही होगा, या आगे चल के करोगे जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कि कभी ना कभी ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाओगे पीसीबी के ऊपर जहां सोल्डरिंग करोगे। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है सोल्डरिंग से, तो अगर सोल्डर कर सकते हैं मटेरियल को तो वहां रेजिस्टेंस कम रहेगा, अगर मटेरियल सोल्डर नहीं हो पा रहा तो उसका कनेक्शन कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जोड़ना है तो वहां सोल्डरेबिलिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट लिखो एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू करोजन, एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू करोजन। अब करोजन क्या होता है भाई, जब कोई मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाए या किसी केमिकल से रिएक्ट करके मटेरियल ही खराब हो जाए तो उसे बोलते हैं करोजन। अब क्या होता है, अगर मटेरियल उम्र के साथ साथ धीरे 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 खराब हो गया तब क्या होगा, मटेरियल अगर खराब हो गया तुम्हें वो मटेरियल रिप्लेस करना पड़ेगा। अब जैसे ऐसा सोचो जितने भी हमारे पावर प्लांट है वहां जनरेटर चल रहा है जो पावर डेवलप कर रहा है, अब बार बार उसकी वाइंडिंग कब तक चेंज करोगे, तो तुम क्या चाहोगे जो भी मटेरियल यूज किया है वो लंबा टिकना चाहिए, वो लॉन्ग टाइम तक काम करे, और उसके लिए उसका करोजन मिनिमम रहे, क्योंकि अगर वो करोड होने लगेगा तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें कॉमन सेंस लग रहा है ना भाई, इसमें ऐसा तो मैंने कोई बहुत बड़ी बात या टेक्निकल बात नहीं बोली है, ये सब चीजें कॉमन सेंस है कि भाई जब पैसा लगा रहे हैं तो वो लंबा चलना भी चाहिए, अगर वो खराब हो गया तो हमारा नुकसान है, ठीक है। इतना बेसिक क्लियर है। अब हाईली कंडक्टिंग मटेरियल में हम लोग बात करने वाले हैं पहले मटेरियल की, तो फर्स्ट मटेरियल लिख लेना कॉपर। सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कॉपर। अब देखो ये तो पढ़ा होगा ना कि कॉपर बहुत यूज होता है, अच्छा देखा भी होगा कभी कभी, देखा है कि ये जो पंखे वगैरह होते हैं इनको खोलते हैं तो इनके अंदर कॉपर की तार लगी रहती है, या इवन तुमने स्पीकर वगैरह खोला होगा उसके अंदर छोटा सा ट्रांसफॉर्मर आता है उस पर कॉपर की तार लिपटी होती है, तो कॉपर की जो गोल्डन गोल्डन वायर हम लोग अक्सर देखते हैं ना, तो कॉपर की वायर बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो कॉपर का जो यूज है हमारा मशीन के सिलेबस में, ये मशीन की वाइंडिंग बनाने के काम में आता है, ठीक है, मशीन वाइंडिंग। अब उसका रीजन क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज समझो, मैंने बताया हाईली कंडक्टिंग मटेरियल हमारे चार होते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम। इसमें कंडक्टिविटी कैसे चलती है, देखो गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है, फिर सिल्वर की, फिर कॉपर की, और फिर एल्यूमिनियम की, ठीक है। ये इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर है सिग्मा। अब क्या होता है, ये तो तुम भी जानते हो, देखो मार्केट रेट सब लोगों को पता है, यहां इतने बड़े हो चुके हो कि सोना चांदी तो कहीं से भी सस्ता नहीं है। अब एक चीज सोचो, एक मशीन में सोने की तार लगी हो, वो मशीन रातों रात चोरी हो जाएगी, समझ रहे हो, इतना महंगा मटेरियल हम लोग यूज कर ही नहीं सकते, वरना इतनी महंगी मशीन जब चलाएंगे तो होगा क्या, मान लो एक पावर प्लांट में उसने सोने की तार वाला जनरेटर रख दिया, अब उसका बिल कौन भरेगा, तुम ही तो भरोगे भाई, जो कॉस्ट लगी है उस जनरेटर को बनाने में वो रिकवर जनता से ही की जाएगी, और जब वो रिकवर जनता से की जाएगी तो इतना बिल हम लोग पे नहीं कर सकते। मैं कहूंगा भाई सोने की तार लगाने की क्या जरूरत थी, सस्ती लगा लेते, अब लगाई तुमने भुगते हम, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कभी भी इतने प्रेशियस और इतने रेयर मेटल्स का यूज नहीं करते। तो मेरे पास दो चॉइसेस बचती हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, जिसमें कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, तो वाइंडिंग बनाने के लिए हमेशा कॉपर को प्रेफर किया जाता है। इवन कॉपर भी जो है ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो कॉपर भी बहुत प्रेशियस होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि कॉपर की तार भी चोरी करके बेच देते हैं, इसकी भी बहुत मार्केट वैल्यू होती है। इससे गलत आइडिया मत निकाल लेना कि आज जाकर के कॉपर की तार निकाल लो कहीं से, बस मैं इतना समझा रहा हूँ कि कॉपर की भी मार्केट वैल्यू अच्छी है, और इसीलिए कॉपर भी धीरे धीरे काफी प्रेशियस मेटल्स में काउंट होने लगा है। बट कॉपर को क्यों यूज कर रहे हूं, इसकी कॉस्टिंग कम है बाकियों से, और इसकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक मिल जाती है, कम भी नहीं कह सकते और बहुत एकदम हाई भी नहीं है,
लेकिन हमारे लिए काम चलाने लायक इसकी कंडक्टिविटी होती है। दूसरा फायदा क्या होता है कि कॉपर जो है ना करोड नहीं होता, कॉपर जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता, कॉपर जो है करोड नहीं होता। देखना कितने भी पुराने स्पीकर में से कॉपर की तार निकालना, एकदम चमकती हुई तार निकलती है। तो कॉपर ना जल्दी खराब होता नहीं है, और कॉपर अगर जल्दी खराब नहीं होता तो एक बार कॉपर की तार लगा देने से वो लंबे समय तक चलेगी। तो कॉपर के अंदर पॉइंट लिखना, इट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन, इट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज द कॉस्ट इज नॉट वेरी हाई, एंड इट इज हाईली कंडक्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट, कॉपर इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड करोजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, बिकॉज देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज हाई, इसका मतलब है कॉपर की जो तार यूज करने वाले हो ना वो हार्ड ड्रॉन होनी चाहिए। हार्ड ड्रॉइंग एक प्रोसेस होता है, तो कॉपर की तार जब हार्ड ड्रॉइंग से बनाई जाती है तो वो मजबूत ज्यादा होती है। और मैंने अभी भी बताया था हाईली कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर मजबूती एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वरना जब तार को बांधोगे तो टूट सकती है। अब देखो, अभी मैंने एक और फैक्टर बताया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा जो मैंने बताया था, ये कॉपर के लिए होता है 0.00393 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये भी लो नहीं माना जाता है, इतना कोएफिशिएंट हाई कंसीडर होता है, ये बात ध्यान देना। ऐसा मत सोचना 0.004 है माने ये लो चल रहा है, ये अच्छी खासी वैल्यू, लो वैल्यू इससे भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। जैसे एलॉयज आ जाते हैं ना तो 0.000 में चले जाते हैं, तो उसको हम लोग लो बोलते हैं, ये बात क्लियर हुई। तो ऐसा मत करना भाई ये अल्फा की वैल्यू रटने लगो, छोटे छोटे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो अगर गेट टारगेट कर रहे हो तो इस वैल्यू को रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अदर एग्जाम्स कर रहे हो तो इस वैल्यू को हाईलाइट कर लेना, ये भी याद की जा सकती है, ठीक है। तो ये बात हुई कॉपर की, कॉपर की बात क्लियर हुई कि हमने चारों मटेरियल में से इसको क्यों चूज किया। अगला मटेरियल लिखना, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल में अगली हम बात करने वाले हैं एल्यूमिनियम। अब देखो एल्यूमिनियम में क्या होता है, जैसा मैंने बताया चारों मटेरियल में सबसे कम कंडक्टिविटी इसकी है, लेकिन एल्यूमिनियम की खास बात क्या है कि एक तो ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जैसा देखो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किया कि कॉपर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इसीलिए कॉपर की जो वायर होती है उसकी भी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होने लग गई है। कॉपर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि जितनी चाहे मशीन कंस्ट्रक्ट करते चले जाएं और कॉपर खत्म भी ना हो। तो कॉपर जब जब खत्म होते जा रहा है तो अगला बेस्ट ऑप्शन जो मेरे पास बचता है दैट इज एल्यूमिनियम। तो अगला पॉइंट लिखो, सिंस कॉपर इज गेटिंग डिप्लीटेड एल्यूमिनियम इज द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस फॉर कंडक्टिंग मटीरियल as it is abundantly available, बहुत इजीली अवेलेबल है एल्यूमिनियम, ठीक है। कॉपर इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं है नेचर के अंदर। अब लेकिन देखो एल्यूमिनियम की जब बात आती है तो इसके साथ में एक लिमिटेशन हमारे पास आ जाता है। अब तुमने देखा होगा कॉपर की ना ज्यादातर तारे हम लोग देखते हैं, कहीं से भी निकालते हैं कॉपर की तार मिलती है। और देखो घर के अंदर पहले जब खाना रैप किया करते ना, पहले मेरे टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन थी एल्यूमिनियम फॉइल,
अब तो और बहुत सी चीजें आ गई, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल कहीं ना कहीं नुकसान करती है। तो एल्यूमिनियम फॉइल अगर देखा हो कितना पतली शीट होती थी, महसूस किया कभी एकदम पतली शीट होती थी, तुरंत फट जाती थी ऐसे खींचने से। तो एल्यूमिनियम की खास बात यह होती है वो बहुत पतली पतली शीट बनाने के काम में आ सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम की ना तार बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये वाला पॉइंट लिखना, एल्यूमिनियम कैनॉट बी ड्रॉन इंटू थिन वायर्स बट इट कैन बी यूज टू फॉर्म थिन शीट। पतली पतली शीटें बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो कॉपर और एल्यूमिनियम को कंपेयर करते हैं, तो एक तीन कॉलम की ना टेबल बना लेना ऐसे, पैरामीटर कॉपर एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरह से तीन कॉलम की एक टेबल बना लो। तो कॉपर के कंपैरिजन में मैं एल्यूमिनियम की बात करने वाला हूं। सबसे पहला पैरामीटर लिखना कॉस्ट। अगर कॉपर की कॉस्ट 1 है तो इसकी उसकी 0.49 है, 49% है। ऐसा मत सोचना कॉपर ₹1 पर किलो में चल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब अगर कॉपर की कॉस्ट 1 माने, या ये कह दो एल्यूमिनियम की कॉस्ट कॉपर का 49% होती है, आधी कॉस्ट होती है, ठीक है। अगला क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इसका 1 मानोगे तो इसका होता है 1.62। ये क्यों होता है अभी डिराइव करते हैं। फिर डायमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना, पाई आर स्क्वायर के हिसाब से, तो 1.62 का रूट ले लेना, 1.27 आएगा अप्रोक्स। वॉल्यूम डायमीटर क्यूब के प्रोपोर्शनल चलेगी, तो 2.04 आ जाती है। वेट, वजन की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम की ना डेंसिटी कम होती है, तो इसका वजन भी काफी कम होता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है जिसपे कि ये ब्रेक हो जाएगा, अगर कॉपर की 1 है तो इसकी 0.64 है। तो कॉपर की जो तार होती है ना वो ज्यादा मजबूत होती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। ये सिर्फ एक डेटा है जो हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं इस पे बात करने वाला हूं, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये कैसे कंपेयर हुआ। अब देखो मेरे को ये पता है कि कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, रो एल बाय ए, या रेजिस्टिविटी को 1/कंडक्टिविटी लिख दे तो एल बाय सिग्मा ए। तो अगर मैं दोनों का रेजिस्टेंस बराबर कर दूं, देखो मैं चाहता हूं कि दोनों में रेजिस्टेंस बराबर मिले, किसी का भी ज्यादा कम ना हो, तो एल अपॉन सिग्मा कॉपर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर, फिर एल अपॉन सिग्मा एल्यूमिनियम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। लेंथ में वायर्स की सेम रख रहा हूं, तो यहां से क्या मिल गया, एरिया एल्यूमिनियम इज सिग्मा कॉपर बाय सिग्मा एल्यूमिनियम इंटू एरिया कॉपर। अब सिग्मा कॉपर बड़ा है तो ये वैल्यू एरिया कॉपर से बड़ी होगी, क्योंकि सिग्मा कॉपर बाय सिग्मा एल्यूमिनियम जो आएगा ना, 1 से बड़ा फैक्टर आएगा। ये बात मेरी क्लियर हुई। तो इसका मतलब है सेम रेजिस्टेंस अगर लेना चाहते हो तो एल्यूमिनियम की तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लेना पड़ता है। तो इसको ना नोट करने से पहले ऐसे क्वेश्चन बना के लिख लेना, वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन कॉपर, ऐसे लिखो, वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन कॉपर। तो अगर तुम चाहते हो दोनों में लॉसेस सेम रहे तो रेजिस्टेंस सेम रखोगे, और सेम रेजिस्टेंस के लिए एल्यूमिनियम की वायर मोटी लेनी पड़ती है कॉपर के मुकाबले, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की पतली तार नहीं ली जाती, मोटी तार ली जाती है। ये मेरी बात क्लियर हुई। तो यहां तक नोट करने के बाद अब देखो इससे समझते हैं कि मोटी तार से क्या होगा। देखो क्या होता है ना, मशीन में जब भी तार लपेटी जाती है तो मशीन के अंदर ना स्लॉट्स बनाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं स्लॉट्स का आइडिया देता हूं, ऐसे ना गड्ढे कर दिए जाते हैं, बात समझ रहे हो, कि परफेक्ट सिलेंडर नहीं रहता जब तार बांधते हैं, थोड़ा सा गड्ढा करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि नहीं तो तार अटकेगी कैसे,
अगर एकदम स्मूथ सरफेस बना दोगे तार तो फिसल जाएगी ना। अगर तार को एक गड्ढे के अंदर बांधा जाए तो वो निकलेगी नहीं वहां से कभी। इस टाइप के स्लॉट्स होते हैं, ठीक है भाई। अब ये जो स्लॉट्स होते हैं ना, इसमें तार लपेटी जाती है। जैसे देखो, एक ऊपर और एक नीचे का स्लॉट ले लो, तो इसके अंदर ऐसे तार लपेट लो इस तरह से, ये पीछे से वापस आ जाएगी लौट के, इस तरह से तार लपेट लेंगे। ऐसे इधर से लपेट लो, ऐसे लेफ्ट से लपेट लो, तो तार लपेटी जाती है। ये जो है ना, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तुम्हारा ऐसे। तो ये जो तार है ना, एक्चुअल में कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, फिर वहां से घूम के वापस ऐसे आएगी, इस तरह से जाती है तार, ठीक है। सिलेंडर के आगे से ली, पूरा पीछे से घुमा के ऊपर वाले छेद में ले आए, ऐसी इसमें इस तरह से पूरी वाइंडिंग लपेटी जाती है, ठीक है। ये सिलेंडर की लेंथ कम ज्यादा जो भी होगी, बट वायर लपेटने का पैटर्न यही होता है। अब एक चीज सोचो, अगर पतली सी तार है तो इजीली लपेट सकते हो, मोटी तार है तो ये जो स्लॉट बनाया है, ये जो गड्ढा किया है, ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो अगला पॉइंट यही लिखना, फॉर एल्यूमिनियम वायर द साइज ऑफ स्लॉट रिक्वायर्ड is higher as compared to copper. यानी ये मत समझना कि कॉपर की वायर को सीधा एल्यूमिनियम की वायर से रिप्लेस कर दोगे, मशीन की ना डिजाइनिंग भी बदल जाएगी। यहाँ पे जो भी स्लॉट्स बना रखे उन्हें भी बड़ा करना पड़ेगा, तभी एल्यूमिनियम की वायर यूज हो सकती है। अगला पॉइंट लिखना, फॉर इंडक्शन मोटर अबव 100 किलोवॉट आउटपुट एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड फॉर केज रोटर। अब देखो, जब इंडक्शन मशीन कवर करेंगे ना, तब हम देखेंगे स्क्वायरल केज मशीन क्या होती है। स्क्वायरल केज मशीन के अंदर ना वाइंडिंग नहीं यूज होती, वहां पे बड़े बड़े सरिया टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, बार रॉड की तरह, और एल्यूमिनियम की रॉड का यूज कर सकते हो, क्योंकि एल्यूमिनियम की ना वायर बना पाना वैसे भी मुश्किल है। अभी मैंने बताया ना, एल्यूमिनियम की वायर इतनी ईजिली बनती नहीं है, तो एल्यूमिनियम से रॉड बना लो। और जब हम केज रोटर पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे वहां रॉड्स का यूज होता है, तो बड़ी बड़ी रॉड एल्यूमिनियम की भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वहां एल्यूमिनियम यूज हो सकता है कॉपर की जगह। अगला पॉइंट लिखना, एल्यूमिनियम कैन बी यूज टू फॉर्म फॉइल टाइप लो वोल्टेज वाइंडिंग इन अ ट्रांसफॉर्मर। फॉइल टाइप लो वोल्टेज वाइंडिंग इन अ ट्रांसफॉर्मर। अब ये फॉइल टाइप क्या हुआ, जैसा मैंने बताया एल्यूमिनियम की पतली पतली शीट पहले आया करती थी खाना रैप करने के लिए, अब भी आती है, इवन बस यूज थोड़ा लोग कम करते हैं, है ना। तो पतली पतली जो शीट आती है एल्यूमिनियम, वो इजीली बना सकता है। तो जो वाइंडिंग बनाओगे वो भी फॉइल की तरह दिखती होगी, वो वायर की तरह नहीं होगी। यानी ट्रांसफॉर्मर में अगर कॉपर की जगह एल्यूमिनियम लाना चाहते हो तो वाइंडिंग का डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। कॉपर की तो वायर यूज होती है, लेकिन एल्यूमिनियम की क्या यूज होगी, फॉइल। अगला पॉइंट लिखना, एल्यूमिनियम कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट टैंक ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर टू रिड्यूस स्ट्रे लॉसेस। अब ये स्ट्रे लॉस क्या होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मर में समझाऊंगा अलग से, और तब हम लोग इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे एल्यूमिनियम क्यों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो टैंक है उसमें आयरन की जगह अगर एल्यूमिनियम यूज करोगे तो लॉसेस कम हो जाते हैं, लॉस कम होने से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम इजीली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म
टू फॉर्म AL2O3 layer which prevents further oxidation. यानी ऐसा मत सोचना कि एल्यूमिनियम में करोजन नहीं आता, आता है। एल्यूमिनियम को जैसे ही प्रिपेयर करते हो तुरंत वो ऑक्सीडाइज होके ना उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है Al2O3 की, लेकिन वो जो पतली सी लेयर है ना वो आगे उसे बर्बाद होने नहीं देती है। माने वो जो लेयर बन गई अब वही उसके लिए कवच का काम करेगी, वही उसके लिए शील्ड का काम करेगी, बाकी का मटेरियल खराब नहीं हो पाएगा। तो ये एल्यूमिनियम के अंदर खासियत होती है कि थोड़ा सा मटेरियल खराब जरूर होगा लेकिन उसकी वजह से बाकी का सारा मटेरियल बच जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को भी ये कह सकते हो कि करोजन से प्रूफ है, करोजन से खराब नहीं होगा क्योंकि पहले ही एक छोटी सी लेयर बन जाएगी जो बाकी करोजन रोक लेगी। ठीक है, तीसरे मटेरियल पे आ रहे हैं। अब लग रहा होगा तीसरा मटेरियल कौन सा आ गया भाई कॉपर एल्यूमिनियम के अलावा, हाँ इलेक्ट्रिकल कार्बन। अब कुछ याद आ रहा है, जो लोग मशीन पढ़े कार्बन ब्रशेस की बात करते हो तो कार्बन भी तो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ये भी मशीन के अंदर यूज होता है, ज्यादातर ब्रशेस बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो इसमें लिखना दिस मटीरियल इज मेड फ्रॉम ग्रेफाइट और अदर फॉर्म ऑफ कार्बन। अब ये तो जानते हो ना, देखो ग्रेफाइट एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ऐसा तो बचपन में कभी ना कभी केमिस्ट्री में सुना होगा कि ग्रेफाइट में करंट फ्लो कर सकता है, तो कंडक्टिंग मटेरियल ग्रेफाइट भी है और उसको इलेक्ट्रिकल कार्बन बोलते हैं। लेकिन ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये जो कार्बन होता है, इसकी कंडक्टिविटी कॉपर एल्यूमिनियम जितनी नहीं होती, इसकी कंडक्टिविटी उनसे कम होती है, इसीलिए इससे वाइंडिंग वगैरह की तो बात हो ही नहीं सकती। वाइंडिंग की बात ही नहीं करूंगा मैं, बात करूंगा ब्रशेस की। अब ब्रश का काम क्या होता है, देखो किसी भी मशीन में कुछ ना कुछ हिस्सा ना उसका रोटेटिंग होता है, यानी ट्रांसफॉर्मर में ब्रश नहीं लगते, ब्रश लगते हैं रोटेटिंग मशीन में। अब मान लो ये सिलेंडर लगातार घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, अब इससे जो तार जोड़ोगे वो तार अगर घूमती रहेगी तो लोड कैसे लगा दोगे, वायर ही घूमने लगेगी बाहर जो टर्मिनल आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो सिलेंडर घूम रहा है इसमें ना ब्रश चिपका देते हैं। ब्रश क्या करेगा, इससे घिसता रहेगा, ब्रश रुका रहेगा। जैसे मान लो ये ब्रश है, ठीक है, ये सिलेंडर घूम रहा है बट ये ब्रश स्टेशनरी है। अब तार इस ब्रश से जोड़ो, यानी देखो मैं ब्रश का बेसिक पर्पस क्या बता सकता हूं कि अगर कोई भी चीज रोटेट कर रही, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, यहां ब्रश लगा है, ये सिलेंडर कितना भी घूम ले ब्रश स्टेशनरी है, ये इस पे छुआ है, ठीक है, तो ये जब सिलेंडर घूमेगा ना ये ब्रश को घिसता हुआ जाएगा, लगातार घिसता रहेगा और यहां से वायर ले सकते हो। तो किसी रोटेटिंग पार्ट से अगर तुम्हें स्टेशनरी वायर निकालनी है तो उसके लिए बीच में क्या जोड़ना पड़ता है, ब्रश। अब बात है कि ब्रश क्यों जोड़ा भाई, ब्रश कार्बन से ही क्यों बनाया। चलो ब्रश का वर्किंग क्लियर हुआ ना, ब्रश का वर्किंग क्या है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट है उससे डायरेक्टली वायर जोड़ देने से वायर भी घूमेगी, लेकिन मशीन के बाहर जो मुझे टर्मिनल चाहिए वो कैसे चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, वो वायर घूमनी नहीं चाहिए क्योंकि उससे लोड जुड़ेगा। अगर उससे कोई लोड जोड़ रहे हो तो वायर नहीं घूमनी चाहिए। जैसे मान लो अब जनरेटर से तार निकली, हमारे घर में आ रही है जनरेटर से निकली हुई तार, ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटर की तार घूम रही है, उससे ट्रांसमिशन लाइन भी घूम रही है, उससे घर के हमारे सारे बल्ब घूम रहे हैं, ऐसा हो सकता है कभी? एक चीज सोचो ना, घर के अंदर सारी डिवाइसेस क्या है, स्टेशनरी है भाई। इसका मतलब है जनरेटर से जो वायर्स निकाली गई हैं उन्हें कहीं ना कहीं स्टेशनरी करना बहुत जरूरी है। तो जो भी वायर किसी घूमते हुए हिस्से से निकले उसको स्टेशनरी बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ब्रश की। लेकिन अब बात यह कि ब्रश में हम यूज तो एल्यूमिनियम कॉपर भी कर सकते थे, फिर कार्बन का यूज क्यों किया। देखो क्या होता है ना, जब मेटल पे मेटल घिसता है ना, मेटल पे मेटल घिसता है तो देखा होगा ना चिंगारी बनती है, ठीक है, स्पार्किंग होती है। तो इसीलिए कभी भी मेटल के साथ मेटल नहीं जोड़ते क्योंकि जब वो इसे घिसेगा ना तो स्पार्किंग होगी। कार्बन अगर कभी नोटिस किया हो तो कार्बन ना बहुत चिकना टाइप का मटेरियल होता है, बहुत स्मूथ सरफेस होता है, तो वहां स्पार्किंग थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन की जो स्मूथनेस है उसी की वजह से हम लोग किस ब्रश का यूज करते हैं, कार्बन के ब्रश का बस, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी कॉपर और एल्यूमिनियम से कम होती है। तो ये वाला पॉइंट लिखो।
कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन, कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम बट इट्स सरफेस इज स्मूदर, बट इट्स सरफेस इज स्मूदर सो इट इज यूज टू मेक ब्रशेज, बट इट्स सरफेस इज स्मूदर सो इट इज यूज टू मेक ब्रशेज इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन, ब्रशेज इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन ब्रशेज, कार्बन ब्रशेज आर ग्रेफाइटेड, आर ग्रेफाइटेड, ग्रेफाइट के आगे डी लगा लो, ग्रेफाइटेड और हीट ट्रीटेड, और हीट ट्रीटेड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी एंड रिड्यूस हार्डनेस, इंक्रीज कंडक्टिविटी एंड रिड्यूस हार्डनेस. अब देखो क्या होता है, किसी भी मटेरियल को गर्म करने से उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल फैलने लगते हैं. अब जब मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल फैलेंगे, तो वो सरफेस ना उतना ही स्मूथ हो जाएगा. जितना डेंस कोई मटेरियल होता है ना वो उतना ही रफ हो सकता है. तो जब मॉलिक्यूल फैलने लगते हैं तो मटेरियल हमारा स्मूथ हो जाता है, प्लस मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जगह ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो भी कर सकता है, तो उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है प्लस उसकी स्मूथनेस भी बढ़ती है. इसलिए कार्बन ब्रशेस बनाने से पहले उनको गर्म करना या हीट करना जरूरी है. अब देखो दूसरी बात, क्या फायदा होता है, ग्रेफाइट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, देखो रेजिस्टेंस का रिलेशन कुछ ऐसा होगा, यानी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस रिड्यूसेस. अब देखो मशीन के अंदर जब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इससे लॉस आएगा, लॉस से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा. तो जब करंट फ्लो कराते हैं ना तो रेजिस्टेंस कम होने लगता है कार्बन के ब्रश का. इसलिए कार्बन के ब्रश में जो ड्रॉप आता है वीबीडी, इसे बोलते हैं ब्रश ड्रॉप, वो होता है आई इंटू आर. तो आई बढ़ने से आर घटता है, इसीलिए आई आर को क्या मान सकते हो, कांस्टेंट. तो जब हम डीसी मशीन की बात करेंगे ना, वहां ये ब्रश ड्रॉप बहुत बार देखा जाएगा, वहां ब्रश ड्रॉप का वोल्टेज कांस्टेंट मानते हैं. अब कोई तुमसे कभी भी पूछे भाई ब्रश ड्रॉप कांस्टेंट क्यों लिया जाता है, तुम क्या बोलोगे कि कार्बन ब्रश का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, करंट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम हो जाने से क्या होगा, उसका आई इंटू आर हो जाएगा कॉन्स्टेंट. एज करेंट इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस रिड्यूसेस, सो I into R will be constant, ठीक है. और स्मूदर सरफेस क्यों हम लोग चाह रहे हैं, ताकि यहां स्पार्किंग ना हो. जब कोई भी मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल पे घिसेगा, उसे रब करेगा, तो उन दोनों का जो सरफेस है वो बीच में फ्रिक्शन कम रखना है. एक चीज सोचो ना, यहाँ हार्ड सरफेस ले लोगे तो फ्रिक्शन भी तो लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा तो इतना स्मूदली ये घूम नहीं पाएगा. तो हमें फ्रिक्शन मिनिमाइज करना है, फ्रिक्शन मिनिमाइज करने के लिए ब्रश का सरफेस क्या रखना है, स्मूथ, ठीक है. तो अगर कभी कोई पूछे कि क्या हम लोग ब्रशेस को कॉपर या एल्यूमिनियम से बना सकते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, कॉपर और एल्यूमिनियम का सरफेस रफ होता है, जिससे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होने से स्पार्किंग भी बन सकती है, और रोटेशन हमारा स्मूथ भी नहीं बन पाएगा, इसलिए कार्बन का यूज करते हैं. बात समझ आई, तीन तरह के मटीरियल हुए, कॉपर एल्यूमिनियम कार्बन. कॉपर का यूज हुआ वाइंडिंग बनाने में, एल्यूमिनियम का मैंने पर्पस बताया, अगर कॉपर खत्म हो जाता है तो एल्यूमिनियम नेक्स्ट बेस्ट मटेरियल है, प्लस एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर का टैंक बनाने के काम आता है, और तीसरा कार्बन, कार्बन ब्रश बनाने के काम आता है, क्योंकि इसका सरफेस काफी स्मूथ होता है, प्लस ये कंडक्टिंग भी है, ठीक है.
तो यहां तक मेरी बात क्लियर है ना, तीनों मटेरियल जो है, बेसिक बेसिक चीजें दिमाग में रखना, बहुत ज्यादा चीजें मत रखना, यानी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कॉपर और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन तक रट डालो, सिर्फ वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, कि जो भी मटेरियल अभी हमने कवर किए, हमने तीन मटेरियल देखे हैं, तो कॉपर ये यूज होगा मशीन की वाइंडिंग में, एल्यूमिनियम ट्रांसफॉर्मर के टैंक बनाने के काम में आएगा, और कार्बन ये ब्रश बनाने के काम में आता है। ये तीन हमारे कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। रीजंस क्लियर हैं, ठीक है, रीजन माइंड में रखना ना, ये सब चीजें इंटरव्यू में काफी काम आ सकती हैं, बट इस पे डायरेक्ट गेट के अंदर या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो थोड़ा सा कम चांस रहता है, बट इंटरव्यू में कोई भी तुमसे ये चीजें पूछ सकता है। तो ऐसे ही ना अपने को बेसिक सॉलिड करते चलना है, हर छोटी से छोटी बात हमें पता होनी चाहिए, ताकि जब रीजनिंग की बात आए, इंटरव्यू की बात आए, तो हम रीजंस दे पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में ना कोई केमिस्ट्री में नहीं घुसेगा कि कॉपर की कंडक्टिविटी क्यों हाई होती है, क्या उसका मॉलिकुलर अरेंजमेंट होता है, क्या एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीजों में नहीं जाना, ठीक है। बस अपने को क्या पता होना चाहिए, कॉपर की प्रॉपर्टीज, जिस कारण से कॉपर यूज हुआ, एल्यूमिनियम क्यों यूज हुआ और कार्बन क्यों यूज हुआ। अब अगली मटेरियल पे चलता हूं, मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक मटेरियल यूज करने का रीजन क्या होता है, कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग वहां यूज करते हैं जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी होती है। देखो हर मटेरियल ना मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करता है, कुछ मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अंदर से पास होने देते हैं और कुछ मटेरियल अंदर से पास नहीं होने देते। तो जहां मैग्नेटिज्म पे काम करना है वहां ऐसे मटेरियल की हमें जरूरत पड़ेगी जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो पाए, और उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल के नीचे लिखना, द मटेरियल्स दैट अलाउ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मटेरियल्स दैट अलाउ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू देम आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल्स, आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी कैटेगरीज आ जाती हैं, तो सबसे पहली कैटेगरी लिख लेना डाया मैग्नेटिक मटेरियल, डाया मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब देखो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना उसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल क्या चीज है, एक ऐसा एलिमेंट जिसके दो पोल हो। मैग्नेट में दो पोल कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो क्या होता है, एक ये जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के इसके अंदर ना नो डाइपोल्स होते हैं, नो डाइपोल्स इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो, जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाती है, एच होती है ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल बन जाते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड से ना उल्टा ओरिएंट होते हैं इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड लगा देने से डाइपोल बनेंगे और वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ये बात समझ आई। डाइपोल क्या है, डाइपोल कुछ भी नहीं है, एक मैग्नेट के दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उल्टा अलाइन होने का क्या मतलब है, कि ये जो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे ना वो ऐसे बनाएंगे। अब देखो मैग्नेट के अंदर एक बेसिक तो जानते हो ना,
मैग्नेट के अंदर एक बेसिक क्या हम लोग जानते हैं कि जब दो पोल लिए जाते हैं एक मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं? कुछ इस टाइप से, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ऐसी बनती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है। अब ऐसे देखो, यहां सोचो ये साउथ से नॉर्थ कटा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, तो क्या बचा? इधर साउथ साउथ बच गए, इधर नॉर्थ नॉर्थ बच गए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे अंदर मैग्नेट के, कहां जाएगी? साउथ से नॉर्थ। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है और जो इंटरनल फील्ड है वो अपोजिट बनी। इस तरह के मटेरियल को कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें लिखना, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स देयर इज नो मैग्नेटिज्म, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स देयर इज नो मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड डाइपोल्स आर इंड्यूस्ड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड डाइपोल्स आर इंड्यूस्ड and they orient in a direction opposite to, and they orient in a direction opposite to external magnetic field, in a direction opposite to external magnetic field। तो ये जो internal magnetic field है ना, इसको represent करते हैं magnetization से। मैग्नेटाइजेशन को लिखते हैं एम। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो जो लोग ईएस की तैयारी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल में ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या बताता है? एबिलिटी ऑफ डाइपोल्स टू अलाइन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। जब कभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो किसी मटेरियल में डाइपोल ज्यादा इजीली अलाइन हो जाते हैं, किसी में दिक्कत आती है। जिसमें इजीली अलाइन हो गए तो उसमें ये बोलोगे उसका मैग्नेटाइजेशन हाई है। अब ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो होता है ना, ये ऐसे लिखा जाता है, काई एम इंटू एच वैक्टर। एच वैक्टर इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, काई एम इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक तरह से ना प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। अब देखो, जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी तुम क्या बोलोगे? सेम वैल्यू ऑफ एच पे उसका एम ज्यादा होगा। जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी उस पे एक ही वैल्यू ऑफ एच पे उसका एम ज्यादा बनेगा। तो ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है? फॉर सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाउ स्ट्रॉन्ग अ मैग्नेट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताती है। तो इसके अंदर लिखना, ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अ मटेरियल, ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अ मटेरियल To get magnetized when external magnetic field is applied, to get magnetized when external magnetic field is applied। अब जैसा देखो मैंने बोला, डायमैग्नेटिक में मॉलिक्यूल्स उल्टा अलाइन होते हैं। अगर उल्टा अलाइन होते हैं ना, तो हम क्या कहेंगे? M vector and H vector are opposite to each other। अगर ये दोनों opposite हैं, तो ये जो काई एम है ये less than zero होगा, क्योंकि बीच में एक माइनस साइन आना चाहिए ना। माइनस साइन किसमें आएगा? फिर काई एम में।
अब देखो एक टर्म मैं मानता हूं तुम सब लोगों ने कभी ना कभी सुनी होगी, वो होगी रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की टेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने के लिए। तो म्यू को लिखा जाता है म्यू नॉट और म्यू आर। ये जो म्यू नॉट होता है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? अब ये सब जो वैल्यूज है ना ये आगे बहुत काम आने वाली है। 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये जो म्यू आर होता है ना इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, ये 1 + χm होता है। अब χm तो देखो नेगेटिव है, 1 में कोई नेगेटिव वैल्यू जोड़ोगे तो ये वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। अगर म्यू आर 1 से छोटा हो गया तो ये म्यू विल बी लेस देन म्यू नॉट। यानी डाया मैग्नेटिक मटीरियल वो है जिनकी परमिएबिलिटी एयर से भी कम हो, ठीक है? तो डाया मैग्नेटिक मटीरियल की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और उनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटी होती है। तो अगला पॉइंट लिखना, परमिएबिलिटी ऑफ अ मटीरियल, परमिएबिलिटी ऑफ अ मटीरियल इज रिलेटेड टू, परमिएबिलिटी ऑफ अ मटीरियल इज रिलेटेड टू, एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल इज रिलेटेड टू, एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू पास थ्रू इट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू पास थ्रू इट। इतनी मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये बात क्लियर है ना, इसका काईएम नेगेटिव आता है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो हम मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक टर्म यूज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको लिखते हैं बी। बी होता है हमारा म्यू एच वेक्टर, ठीक है? तो इसमें लिखना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू ईच अदर। देखो कोई भी चीज डेंस कब होती है, कोई भी चीज जैसे डेंस होती है तो उसका मतलब होता है जो उसके अंदर लाइंस बनाओगे, जो डायग्राम बनाओगे ना, वो लाइंस बहुत क्लोज आ जाएंगी, तभी तो बोलोगे डेंस है, है ना? डेंस का मतलब होता है घना, हिंदी में अगर बात करें तो। घना कब होता है? जब चीजें बहुत क्लोज होती है। जैसे मान लो घना जंगल, तो एक फॉरेस्ट को डेंस कब बोलते हैं? जब उसमें बहुत सारे पेड़ों और बहुत पास हो कि उनके बीच में कुछ दिखे ही नहीं। सेम वे में डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स डेंसिटी का, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है अगर वो आपस में बहुत क्लोज है तो उन्हें बोला जाएगा वो डेंस है। अब देखो यहां हमें पता चला डाया मैग्नेटिक मटीरियल में म्यू लेस देन म्यू नॉट है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एयर में है या फ्लक्स डेंसिटी एयर में है वो ज्यादा होगी डाया मैग्नेटिक मटीरियल के मुकाबले, क्योंकि डाया मैग्नेटिक का तो म्यू कम है ना और बी तो म्यू के प्रोपोर्शनल है। सेम एच होते हुए भी एयर में फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी डाया मैग्नेटिक मटीरियल से। इसको शो कैसे करोगे? देखो एयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है कुछ इस टाइप से, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने शो किया है। डाया मैग्नेटिक मटीरियल में ना इनका डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। देखो कैसे, ये बाहर से चली गई, ये यहां से आ गई, ये नीचे से आ गई, ये ऐसे आ गई। अब देखो हुआ क्या, ये लाइन बहुत क्लोज थी लेकिन ये दूर चली गई मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर और बाद में एयर में आके फिर से क्लोज आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो थोड़ा फैल जाती हैं, वो दूर दूर चली जाती हैं। क्यों दूर चली जाती हैं? क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी म्यू नॉट से कम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, इन अ डाया मैग्नेटिक मटीरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
इन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज अवे फ्रॉम ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज अवे फ्रॉम ईच अदर. इसके एग्जांपल लिखो डायमैग्नेटिक मटेरियल के, कॉपर, कॉपर सिलिकॉन, कॉपर फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, जर्मेनियम गोल्ड एंड डायमंड, गोल्ड एंड डायमंड, ये सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. ठीक है, इसमें से याद क्या रखना है एग्जाम के लिए कि कॉपर डायमैग्नेटिक है. गेट में यूज नहीं होगा बट फिर भी कॉपर क्योंकि मशीन के अंदर यूज होने वाला है तो कॉपर इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल. ये बात क्लियर हुई कि सारी लाइन आपस में दूर दूर चली गई है जब हम लोग बात कर रहे हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की. अगला मटेरियल लिखना, सेकेंड मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल. अब देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला डायमैग्नेटिक के अंदर कि पहले से डाइपोल प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना तब डाइपोल इसके अंदर बन जाया करते हैं. अब पैरामैग्नेटिक में ना पहले से डाइपोल प्रेजेंट रहेंगे बट वो सारे डाइपोल रैंडम रहते हैं. तो इसमें लिखना, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक डाइपोल्स, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट due to spin of unpaired electron, due to spin of unpaired electron in an atom, in an atom. अब देखो याद है एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ये सब. इसमें तुम क्या दिखाते थे, जब कभी जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 3p4, थोड़ा सा याद करो यार, पुराना ही कॉन्सेप्ट है जो तुम 11, 12 के अंदर पढ़ते हो उसी को थोड़ा सा रिविजिट करा रहा हूं. तो पहले क्या करते थे, ऐसे इसके अंदर तीनों भर दिए, अब चौथा जो है वो यहां से आ जाएगा. तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को कहा जाता था पेयर्ड और ये दोनों जो हैं वो अनपेयर्ड है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ना स्पिन कैंसिल नहीं होती. देखो इनकी स्पिन कैंसिल हो जाती है. ये स्पिन का क्या मतलब होता है, देखो कि अगर एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपस में ना कैंसिल हो जाती हैं. तो इनकी स्पिन जो होती है, स्पिन डज नॉट कैंसिल, और ये स्पिन की वजह से बनता है यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल. तो इसका मतलब है अगर मैं ये बोल रहा हूं कि डायमैग्नेटिक में डाइपोल नहीं होता तो वहां इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होंगे. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डाइपोल भी नहीं बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो वहां ऑलरेडी एक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, एक्चुअल जो थ्योरी होती है ना वो इससे ज्यादा डिटेल में होती है कि दो तरह की डाइपोल मूवमेंट होती है, ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट और स्पिन डाइपोल मूवमेंट. लेकिन उतना डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि जो लोग भी ईएस की तैयारी कर रहे हैं मटेरियल साइंस के अंदर ये सब चीजें काफी डिटेल में पढ़ी जाती हैं, है ना. अभी अपने को मतलब कितने से, अपने को मतलब है सिर्फ मशीन के सिलेबस से, इसलिए इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं. बस ये ध्यान रखो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डाइपोल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं और किस वजह से होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जो डाइपोल्स प्रेजेंट रहते हैं ना वो रैंडम होते हैं. रैंडम कैसे, जैसे देखो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस तरह से रैंडम पड़े रहते हैं. अब जो डाइपोल मोमेंट होती है ना, डाइपोल मोमेंट हमेशा दिखाते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ. तो ये डायग्राम ना ऐसे ना बनाते हुए एरो से भी बना सकते हो, साउथ से नॉर्थ की तरफ ना एरोस दिखा दो, देखो यही तो बनेंगे. ठीक है, तो सिंपल डायग्राम जो होता है ना वो एरोस की फॉर्म में होता है, एरो हमेशा जाता है साउथ से नॉर्थ. दोनों तरह का डायग्राम बना सकते हो बट एग्जाम में कभी पैरामैग्नेटिक की बात हो ना तो ये वाला डायग्राम ज्यादा स्टैंडर्ड है.
तो ये कब है, जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है। लेकिन क्या होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाती है, तो डाइपोल्स जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये हमने H लगा दिया। डाइपोल किस डायरेक्शन में होता है, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। तो इधर देखो सारा साउथ रह गया, इधर सारा नॉर्थ आ गया। और अभी मैंने बताया था मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो भी मैग्नेटिज्म जनरेट होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो एक बार, ठीक है, वीडियो पॉज करके ड्रॉ करना, फिर आगे लिखो। तो इसमें लिखना आगे, इन पैरा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक डाइपोल्स आर, इन पैरा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक डाइपोल्स आर randomly oriented but when magnetic field is applied such dipoles align parallel to external magnetic field। तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है हम लोग ऐसे तो लिखते हैं काई एम इंटू एच। यहां होता है एम वेक्टर इज पैरेलल टू एच वेक्टर, जिसका मतलब ये जो काई एम है ना ये पॉजिटिव आता है। तो डाया मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक में फर्क क्या आ गया कि पैरा मैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, यहां डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होते हैं। अब अभी मैंने बताया था म्यू आर होता है 1 प्लस काई एम, 1 में पॉजिटिव वैल्यू जोड़ोगे तो 1 से बड़ा मिलेगा। म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर, और म्यू 1 से बड़ा है, म्यू आर अगर 1 से बड़ा है तो म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट मिलेगा, ठीक है। अब एयर में कितनी फ्लक्स डेंसिटी होगी, देखो सारी चीजें सेम रिपीट कर रहा हूं जो मैंने डायमैग्नेटिक में बताई है, म्यू नॉट एच, और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा म्यू नॉट म्यू आर एच। अब म्यू आर 1 से बड़ा है तो इट इज ग्रेटर देन बी एयर, तो फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल के अंदर ज्यादा होगी। तो इसमें लिखना ड्यू टू पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी the flux density inside paramagnetic material increases। तो अब कैसे दिखाओगे, देखो पहले की तरह लाइंस आ रही हैं। फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि क्लोजनेस बढ़ जाए, देखो ये लाइंस क्लोज आ गई ना, इसमें थोड़ा और डिप में दिखा देता हूं, तो इस तरह से ये लाइनें क्लोज आ जाती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब इसके एग्जाम्पल लिखना पैरामैग्नेटिक के डायग्राम ड्रॉ करके, पोटेशियम ऑक्सीजन टंगस्टन एंड रेयर अर्थ मेटल, टंगस्टन एंड रेयर अर्थ मेटल, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ भाई डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में, कि डायमैग्नेटिक की काई एम नेगेटिव थी और पैरामैग्नेटिक का काई एम पॉजिटिव है। लेकिन ये ध्यान रखना ये वैल्यूज जो है ना बहुत छोटी होती हैं, ये जो काई एम है ये ऐसे होगा 0.0001 इस तरह से चल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो म्यू आर होता है ना, म्यू आर इज अप्रोक्सीमेटली 1 फॉर डाया एंड पैरा, बहुत ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास ही रहता है, ठीक है। काई एम की वैल्यू जो है ना 0 के आसपास ही रहती है फॉर डाया एंड पैरा। फेरो में बात अलग हो जाती है, जब फेरो की बात करेंगे ना
तो वहां बात अलग हो जाएगी, लेकिन डाया पैरा में ये वन के क्लोज ही रहता है। ये बात क्लियर हुई? अब ये ध्यान रखना, कॉपर एक डाया मैग्नेटिक मटीरियल है हमारा, और डाया मैग्नेटिक मटीरियल में जो डाइपोल्स बनते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट होते हैं, पैरा में जो डाइपोल बनते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होते हैं, लेकिन दोनों ही मटेरियल की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो वन के आसपास ही रहती है, ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे मैग्नेटिक मटेरियल हमने कवर किए। इसके बाद जो तीसरा और इंपॉर्टेंट मटेरियल आता है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करूंगा, आगे का मटेरियल वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और अच्छे से समझेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि मशीन बनाने में सबसे ज्यादा यूज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो भी मैंने बातें आप लोगों से डिस्कस की हैं सब क्लियर हुई होंगी। तो एक बार एक काम करते हैं, फटाफट आज का डिस्कशन समराइज करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि हाईली कंडक्टिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। कॉपर को क्यों चूज किया, क्योंकि ये सस्ता भी है और इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी है, तो कॉपर की वायर बनाते हैं, प्लस कॉपर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, प्लस कॉपर करोड नहीं होता, इस वजह से वाइंडिंग बनाने के काम में आता है। बट एल्यूमिनियम कॉपर के बाद अगला बेस्ट मटेरियल एल्यूमिनियम होता है, सस्ता है, ज्यादा अवेलेबल है, खत्म नहीं होने वाला। नुकसान, पतली वायर ना बना के इसकी वायर मोटी बनेगी या फिर इससे फॉइल बनानी पड़ेगी। इसका यूज ट्रांसफॉर्मर का टैंक बनाने में। ब्रशेस, कार्बन से हम लोग ब्रशेस बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका सरफेस स्मूथ होता है, फ्रिक्शन कम बनता है। ब्रश का काम किसी भी रोटेटिंग टर्मिनल से या रोटेटिंग डिवाइस से स्टेशनरी टर्मिनल निकाले जाते हैं ब्रशेस के थ्रू। कार्बन का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होने के कारण इसका वोल्टेज ड्रॉप फिक्स रहता है। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल पे आए डाया मैग्नेटिक, जिसके डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट अलाइन हो, पैरा मैग्नेटिक, जिसके डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो। दोनों का म्यू आर अप्रोक्सीमेटली वन होता है। डाया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर जाती हैं और पैरा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आती हैं। ठीक है, तो इतना हमने बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस की हैं। अगले लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल वाला पार्ट है इसको हम लोग वाइंड अप कर पाएं और आगे हम लोग बढ़े। ठीक है, तो बाकी की बातें अगले वीडियो के अंदर, बट ये जो बेसिक बेसिक जो मैंने पॉइंट तुम्हें समरी में बताया ना, ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये कहीं भी डिस्कस करोगे ना मशीन्स के बारे में या कहीं इंटरव्यू दोगे तो तुम्हारी नॉलेज इन सब चीजों से दिखती है। तो ये सब चीजें इंटरव्यू के लिए ज्यादा यूजफुल है। और ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, ये तो गेट के लिए भी थोड़ा बहुत याद रखना, क्योंकि एक बार फेरोमैग्नेटिक पे गेट में भी रिसेंटली ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए ये चीजों को बिल्कुल मत डिलीट करना है ना। कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये सब चीजें नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा। तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।